एक्सप्रेशन है ना, यू सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप इमोशनल हो जाती है कई बार कि भाई इस बच्चे को ले लीजिए, और ये दोनों क्या बहुत प्रैक्टिकल हैं, और क्या कभी ऐसा हुआ है क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को मना चाहा हो कि वो बच्चा हिस्सा बने, और इन्होंने और इन्होंने कहा कि नहीं तो यही बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बोली कि ऐसा पहली बार इस चैप्टर में हुआ है जहाँ पे कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुई हैं बच्चों को लेकर, लेकिन मुझे लगता है इसलिए इस वजह से हुई है क्योंकि बेंचमार्क इतना हाई रहा है इस शो के लिए और हमारे लिए कि और तीनों का नज़रिया जाहिर सी बात है कि डिफरेंट होंगी, तो आई जस्ट थिंक दैट द ब्यूटी अबाउट दिस एंटायर इक्वेशन बिटवीन द जजेस इज दैट वी यू नो वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, और इसमें मतलब कोई बुरा लगने वाली बात है ही नहीं कि अगर उनको कोई बच्चा अच्छा नहीं लगता है या नहीं लगता है कि अगले पड़ाव तक जाना चाहिए, ये इनका नज़रिया है और उसे बैकअप करने के लिए इनके पास लॉजिक है और रीज़न है, तो वी आर ओके विद दैट एंड वाइस वर्सा, तो इसमें बुरा लगने वाली बात है ही नहीं बिकॉज वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स गेटिंग द बेस्ट सुपर डांसर फॉर द शो। ओके दादा, रिसर्च टीम के क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने बहुत जगह गए आप लोग में ऑडिशन वगैरह किए, कहाँ से ढूंढ के लाते हैं ऐसे टैलेंट को, यू नो खास करके बहुत मतलब इंटीरियर में गए होंगे और रूरल एरियाज में गए होंगे इंडिया की, रिसर्च टीम के बारे में क्या कहेंगे, कहाँ मतलब मैं फिर आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ यू नो कि बड़ी मुश्किल से कि जहाँ TRP की तो बात मैं करूँगा नहीं क्योंकि बहुत नेचुरल है, जैसे रिपा ने कहा, गीता जी ने कहा। नहीं देखिए, लखीमपुर से लेकर कानपुर से लेकर कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं और सब बच्चों की क्वालिटी ऑफ डांसिंग है, गीता आपको बताएगी, बोले इतना अच्छे से उस छोटे से शहर में ऐसा सब सीख रहे हैं, और हम तो देखिए हमारा काम आसान हो जाता है क्योंकि जब हमारे पास जब आते हैं मतलब शॉर्ट लिस्ट से जाते हैं, टीम जाती है ढूंढती है, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ और भी बच्चे रहे होंगे इतने बच्चे, तो और जिस तरह से स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे पॉकेटों में, छोटे छोटे डांस क्लासेस में, इट्स अमेजिंग मुझे। और कभी कभी मैं विदेशी डांस शोज देखता हूँ, कभी रियलिटी शोज देखता हूँ, और मुझे लगता है कि हमारे बच्चे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत खुशी होती है। ओके गीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यू नो, आपको लगता है कि डांस को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं हम लोग बीइंग एन इंडियन, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर शो बट स्टिल आई थिंक हम लेकर जाने वाले कोई नहीं है, बच्चे आ रहे हैं वो सब लेकर, दे कम विद एन इंटेंशन ऑफ बीइंग बेटर देन द अदर्स, तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है उनको कि आओ यहाँ पे अपनी किस्मत भी आजमा लो और कुछ सीख कर भी चले जाओ। बट आई टोटली अग्री विद दादा कि ऐसे छोटे छोटे कस्बों से बच्चे आए हैं, अनबिलीवेबल है हमारे लिए, एंड लाइक शी ऑल्सो मैंशनड अर्लियर, शिल्पा जी ने ये कहा था कि शहर के बच्चे शायद थोड़े से लेड बैक हो गए हैं और दे टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट दे हैव एवरीथिंग, क्या ये ज़रूरी है, वो बच्चे बड़े सपने लेके आते हैं एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग टू वॉच ऑन दिस शो, एंड मैं चाहूँगी कि जो बच्चे यहाँ से निकलें वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाए और वो कहें कि वी आर गेटिंग इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड दे आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, सो दैट इज़ आर ड्रीम आई थिंक टू सी देम ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। ओके शिखा, व्हाट्स योर टेक ऑन व्हाट फ्यूचर वुड यू टू सी यू आर सीइंग इन दिस चिल्ड्रन, नो दे आर फैंटास्टिक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एक्सप्रेशन, आई थिंक दे आर वेरी ब्लेस्ड, तो कुछ ऐसे डांसर्स होते हैं जो इंट्रिंसिकली बहुत ही नेचुरल डांसर्स हैं और उन्हें ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कुछ ऐसे डांसर्स हैं जैसे दे आर लिविंग द ड्रीम ऑफ समवन एल्स, जैसे उनकी मम्मी शायद डांसर बनना चाहती थी और उनको मौका नहीं मिला तो बच्चों को डांस क्लास में डाल दिया और बहुत सारा प्रैक्टिस किया है उन्होंने, तो दे हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल एंड दे हैव बिकम गुड, बट आई रियली थिंक दैट यू नो इट द डांसर्स दैट रियली स्टैंड आउट इन आर ऑन आर प्लेटफॉर्म आर द डांसर्स दैट आर नेचुरली टैलेंटेड हु रियली डांस विद पैशन एंड हु आर देयर बिकॉज दे वॉन्ट टू बी देयर, नॉट बिकॉज दे वॉन्ट टू फुलफिल अ ड्रीम ऑफ देयर पेरेंट, यू नो, एंड आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एज जजेस टू काइंड ऑफ सिफ्ट फ्रॉम द डांसर्स दैट आर ट्रेंड एंड द डांसर्स दैट आर नेचुरली टैलेंटेड, तो वो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है देखना, और कभी कभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं अपने एबिलिटीज़ को, अपने सेंसिबिलिटीज़ को भी, क्या हमने सही किया, क्या ये डिसीजन सही था, पर आई थिंक वी हैव डन वेल सो फार, और पिछले सीजन को अगर आप देखेंगे, हमारे फाइनलिस्ट को देखेंगे,
I think our judgment was something to go by. I think we have a fair sense of judgment and we feel confident in this season now. Okay, the last one. Who is your favorite dancer from the industry? From the industry? Chagra. No, right now definitely it's Tiger Shroff. Yeah. Right now. From the actresses? अभी तो मैं इंडस्ट्री में हूँ क्या अमांग्स द एक्ट्रेसेस दादा विल बी एबल टू टेल मी अच्छा ना मेरे को पसंद करो सॉरी अच्छा एक का नाम लेंगे फिर मिस्टर आई थिंक ऑल ऑफ देम आर रियली रियली सुप्रीमली टैलेंटेड देयर इज नोबडी हु लाइक इफ यू टेल मी टाइगर हैज लाइक अ स्पेशल नेचुरल टैलेंट या सो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डांसिंग लड़कियों में हु इज अ गुड डांसर लाइक दिस या ऐसे कोई आ नहीं रहा यू कैन गुड बी Shraddha because she did ABCD, so we kind of saw dancing ability. Yeah, Shraddha. But the other girls haven't got a chance. Jacqueline is also, she's got a knack. She's got a natural swag. And I like her, yeah. And among the retro dancers like Helen, who's the man? You said the name and then after telling me the name, what are you asking me? Give me an example. Helen, they're legendary, yeah. They're all iconic dancers. They set a style. I think that's the beauty also, you know, I'd like to make, it's an analogy for me, like if you're able to set a trend and leave a mark, like today we have dancers in Super Dancer 2 who come in doing the Masoom wave, doing the Lakshman cartwheel, aray ye Helen jaise matlab thirakti hai, agar bol sakte hai ye baat, matlab bahut badi baat hai, so it's a great platform for us to be part of. Where we're given the responsibility of choosing the right kind of talent and it's churning some really amazing dancers out. Yeah.